सबसे बहुमूल्य वस्तु सम्राट कृष्णदेवराय जब उड़ीसा पर विजय प्राप्त करके लौटे तो पूरे विजयनगर में हर्ष उल्लास छा गया। महीनों विजय समारोह चलता रहा। उड़ीसा विजय के उपलक्ष में राजा ने सीमा पर विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अपने ढंग का अनूठा था वो विजय स्तंभ। विभिन्न देशों के शिल्प को उसमें एक साथ देखा जा सकता था। एक दिन जब तेनाली राम छुट्टी पर था तो महाराज उस शिल्पी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। अंत में सम्राट ने शिल्पी से पूछा, तुम्हारे निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त भी हम तुम्हें कुछ देना चाहते, जो मांगना हो मांग लो। प्रधान शिल्पी ने सर झुकाकर उत्तर दिया, कृपा निधान, आपने मेरे शिल्प की इतनी प्रशंसा कर दी कि अब कुछ भी मांगने को शेष नहीं रहा, बस आपकी कृपा चाहिए। लेकिन सम्राट चाहते थे कि शिल्पी कुछ अवश्य मांगे। फिर राज दरबारी भी शिल्पी से कहने लगे, जब महाराज तुम्हें स्वयं पुरस्कार देना चाहते हैं तो तुम मना क्यों करते हो। स्वाभिमानी शिल्पी ने बहुत सोच विचार करके अपने औजारों का बड़ा सा थैला खाली किया और सम्राट के आगे रखता हुआ बोला, यदि महाराज मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर इस झोले को संसार की बहुमूल्य वस्तु से भर दे। सम्राट ने चकित होकर मंत्री की ओर देखा। मंत्री स्वयं शिल्पी की मांग पर चकित था। उसने सेनापति की ओर देखा। सेनापति सोच रहा था, संसार की सबसे बहुमूल्य कौन सी वस्तु हो सकती है। उसने पुरोहित की ओर देखा। पुरोहित सिर झुकाए बैठा फर्श पर उंगलियां चला रहा था। सम्राट जब निर्णय न कर पाए तो उन्होंने शिल्पी से पूछा, क्या तुम्हारे इस झोले को हीरों से भर दें? हीरों से भी बहुमूल्य कोई न कोई वस्तु हो सकती है महाराज, शिल्पी ने कहा। सम्राट की समझ में न आया तो उन्होंने तेनालीराम को बुलाने के लिए अपने एक सेवक को भेजा। कुछ ही देर में सेवक तेनालीराम को साथ लेकर दरबार में आ गया। सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु कौन सी है। तेनालीराम ने सेवक से रास्ते में ही सारी जानकारी ले ली थी। वो गंभीर चेहरा बनाकर बोला, ये उस व्यक्ति पर निर्भर है जिसको वो वस्तु चाहिए। फिर चारों ओर देखकर पूछा, संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु किस व्यक्ति को चाहिए। मुझे, शिल्पी ने कहा। फिर झोला दिखाकर बोला, ये झोला भरकर चाहिए। मिल जाएगी, तेनालीराम बोला, झोला मेरे पास लेकर आओ। शिल्पी झोला उठाकर तेनालीराम की ओर बढ़ा तो सारे दरबार में शांति छा गई। सभी उत्सुक थे कि देखें तेनालीराम शिल्पी के झोले में क्या देता है। तेनालीराम ने शिल्पी के हाथ से झोला लिया, उसे खोलकर दो तीन बार ऊपर नीचे किया, फिर उसका मुंह बांधकर शिल्पी को लौटाते हुए कहा, ये लो, मैंने संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु से तुम्हारे इस झोले को भर दिया है। शिल्पी प्रसन्न हो उठा, उसने मुंह बंधा झोला उठाया, सम्राट को प्रणाम कर दरबार से चला गया। सभी दरबारियों ने चैन की सांस ली। शिल्पी के जाने के बाद सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तुमने झोले में तो कोई वस्तु भरी ही नहीं, फिर शिल्पी चला क्यों गया। तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, आपने देखा नहीं, मैंने झोले में हवा भरी थी। हवा संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। उसके बिना न धरती पर कोई प्राणी रह सकता है, न आग जल सकती है, न पानी बह सकता है। कलाकारों के लिए तो हवा और भी बहुमूल्य है। उनकी कला को हवा न दी जाए तो वो मर जाए। सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम महान हो, अपने और उसे अपने गले से लगाकर उसे अपने गले की स्वर्ण माला उसके गले में डाल दी।